गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जैव अणु के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें से बहुत से प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, और इस चैप्टर का वेटेज यह है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से कम 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में हो, चाहे वो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में हो, लेकिन ये चैप्टर टोटल 6 अंकों को कवर करता है। तो इसमें आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि ग्लूकोज की संरचना का सूत्र लिखिए, या कभी-कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि ग्लूकोज कैसे पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड है, इसको सिद्ध करो। या कभी-कभी बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, इसका उल्लेख करो। या कभी-कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लूकोज की खुली संरचना को लिखो और उसमें कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति को पुष्ट करो। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने बताया कई तरीकों से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 14 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 18 में बच्चों ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है। जो मैंने बोला 18 में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो एक बार पूछा गया है कि इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को सिद्ध करो कि ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और दूसरी बार इस तरीके से पूछा गया 18 में ही कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिख के उल्लेख कीजिए। और ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है। तो बच्चों ग्लूकोज की संरचना, ओपन स्ट्रक्चर इसकी या खुली संरचना, या इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है या इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं ग्लूकोज की खुली संरचना क्या होती है। तो बच्चों ग्लूकोज की खुली संरचना CHO, चूंकि इसमें 6 कार्बन ग्रुप होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 6, इसमें सबसे ऊपर CHO होता है, दूसरे कार्बन पे H और OH होता है। ये H और OH अल्टरनेट करते हैं, अगर एक बार इधर H है और OH इधर है तो दूसरी बार बच्चों OH और H ये अल्टरनेट करता है। तो ये देख रहे हैं बच्चों, ये आपकी ग्लूकोज की खुली संरचना है, इसमें सबसे ऊपर CHO होता है, या हम कह सकते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, आप 6 कार्बन ऐसे लिख लीजिए, सबसे ऊपर का ग्रुप CHO होता है, इसके बाद दूसरे कार्बन पर H और OH लगा होता है, ये H और OH अल्टरनेट करते हैं, अगर H इधर जो है लेफ्ट साइड है तो दूसरे कार्बन पर H जो है वो राइट साइड होगा, इस तरीके से ये अल्टरनेट करता है। और ये बच्चों आपकी ग्लूकोज की खुली संरचना है। इसके बाद हम ये बताएंगे कि ग्लूकोज में कैसे सिद्ध करोगे कि इसमें 5 OH ग्रुप होता है, ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो बच्चों हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे किससे, CH3COCl के साथ। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे CH3COCl के साथ, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। पेंटा एसीटेट बनने का मतलब है कि ये एसिटिल क्लोराइड के कितने उससे रिएक्शन कर रहा है मॉलिक्यूल से, इसके 5 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, इससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में क्या है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसी वजह से यह ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना रहा है। इसको हम रिएक्शन करके दिखाते हैं बच्चों आपको। सबसे ऊपर हमने बोला CHO होता है, बाकी ये आप देख रहे हैं पहले कार्बन पे CHO है, इसके बाद दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कार्बन पे सब पे HOS ग्रुप लगा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CHOH का होल 4, 4 कार्बन ऐसे हैं जिसमें HOH इस तरीके से लगे हुए हैं, और सबसे नीचे का ग्रुप क्या है बच्चों CH2OH है,
इसके हम रिएक्शन कराएंगे किससे, पांच मॉलिक्यूल ऑफ CH3COCl के साथ। तो ये क्या होगा, एच क्या होगा, इसके चार एच जो है चार सीएल और इसका एक एच एक सीएल को लेके अलग हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल बनेगा बच्चों सीएचओ सीएचओएच COCH3 का होल फोर और नीचे CH2O COCH3 प्लस क्या बनेगा 5HCl अलग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, पांच मॉलिक्यूल ऑफ CH3COCl से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है बच्चों, बना रहा है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट एसीटेट। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ग्लूकोज में कितने 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों ग्लूकोज में 5OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको सिद्ध करो, तो आप इसको CH3COCl से रिएक्शन करके उनको बता सकते हो कि इसमें रिएक्शन कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद देखेंगे कि हम अभी हमने बताया इसके ओपन संरचना में क्या है, CO ग्रुप क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप की तरीके से काम करता है। तो हम ग्लूकोज की कार्बोनिल समूह की उपस्थिति बताएंगे। तो इसकी ओपन संरचना जो हमने लिखी थी CH कार्बोनिल ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं, बाकी नीचे वाले पे CHOH का होल फोर और सबसे लास्ट का था CH2OH। इसके हम SCN से जब रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH और ये H क्या होगा इस OH के साथ लग जाएगा CHOOH, फिर नीचे CHOH का होल फोर CH2OH। तो ग्लूकोज की कार्बोनिल समूह की उपस्थिति में SCN से रिएक्शन कराने पर क्या बन रहा है बच्चों, बन रहा है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन हाइड्रिन। इससे ये सिद्ध हो रहा है बच्चों की ग्लूकोज की SCN के साथ रिएक्शन कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। ये साइनोहाइड्रिन तब बनता है जब ग्लूकोज में कौन सा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ग्लूकोज की कार्बोनिल ग्रुप में जब प्रेजेंट होती है इसी वजह से ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। दूसरी रिएक्शन है ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति। तो बच्चों ग्लूकोज फैलिंग बिलियन और टॉलन अभिकर्मक को क्या करता है, अपचयित करता है, क्योंकि इसमें CHO समूह प्रेजेंट होता है। इसको हम रिएक्शन करके दिखाते हैं, CHO CHOS का होल फोर और CH2OH, ये आपकी ग्लूकोज की संरचना हो गई। इसमें हम ने क्या बताया, फैलिंग बिलियन या टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। तो इसमें हम मिलाएंगे फैलिंग बिलियन और टॉलन अभिकर्मक के रूप में CH2O, तो इसको अपचयित करने का मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा CHOH और CH2OH का होल फोर और क्या बनेगा बच्चों CH2O का प्रेसिपिटेट बनेगा, जो किस तरीके का होता है, जो रेड कलर का होता है, इसका रेड प्रेसिपिटेट बनता है। इस रिएक्शन से क्या सिद्ध होता है, इस रिएक्शन से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, क्योंकि ये फैलिंग बिलियन और टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, इसलिए ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज बच्चों एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो अभी हमने जो बताया था कि ग्लूकोज फैलिंग बिलियन और टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, तो ये क्या है, ये ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण है। ग्लूकोज फैलिंग या बेनिडिक्ट विलयन के साथ गर्म करने पर अभी हमने बताया था CuO का रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, CHOH का होल फोर CH2OH, इसको फैलिंग या बेनिडिक्ट सोलूशन के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा, यह ग्लूकोनिक अम्ल
में परिवर्तित हो जाएगा और CU2O का रेड प्रेसिपिटेट देगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड और ये जो रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है तो ये क्या शो कर रहा है कि ग्लूकोज अगर किसी बिलियन में प्रेजेंट होगा और उसकी फेलिंग या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ गर्म करने पर वो क्या देता है, CU2O का लाल कलर का प्रेसिपिटेट देता है। दूसरा परीक्षण क्या है, मॉलिस परीक्षण। ये परीक्षण किस लिए होता है बच्चों, ये एक कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है। मॉलिस परीक्षण क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेते हैं। एक परख नली है हमारे पास, इसमें हमने ग्लूकोज का जलीय विलयन लिया बच्चों, और उसमें हमने क्या मिलाया, 2 मिलीलीटर हमने मिलाया अल्फा नेफ्थॉल, नेफ्थॉल का एल्कोहलिक विलयन इसमें हमने ऐड किया। और इसमें हमने क्या मिलाया, इसमें हमने मिलाया कंसंट्रेट H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाई। तो क्या होता है बच्चों, इन दो द्रवों के बीच क्या बन जाता है, बैगनी बैगनी रंग का विलेय बनता है, जो क्या शो करता है, जो यह शो करता है कि उस परख नली में ग्लूकोज प्रेजेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया, 18 में, 19 में, 20 में, कई साल पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, वे जैविक कण होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में किस तरीके से होते हैं, ये न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में उनके न्यूक्लियसों में पाए जाते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है जो न्यूक्लिक अम्ल के जैविक अणु होते हैं। और ये न्यूक्लिक अम्ल दो तरीके के होते हैं, डीएनए और आरएनए के रूप में। डीएनए को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। और आरएनए कौन सा न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। और ये बच्चों जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला के बहुलक होते हैं, जो ये डीएनए और आरएनए, अभी हमने बताया डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है और आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल इन्हीं न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला के बहुलक का मतलब इनके पॉलीमर होते हैं, इनके ढेर सारे अणु मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बच्चों न्यूक्लिक अम्ल के दो इंपॉर्टेंट कार्य हैं, पहला जो डीएनए होता है जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इसका काम क्या होता है, अनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में जाना जाता है। और इसका काम यह होता है कि बच्चों लाखों वर्षों से किसी भी जीव के विभिन्न प्रजातियों की पहचान को विशेष रूप से बनाए रखने में उत्तरदायित्व होता है, या हम कह सकते हैं डीएनए का काम होता है बच्चों ट्रांसफर करना, क्या ट्रांसफर करना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को किससे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम डीएनए करता है। दूसरा काम क्या करता है, ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो इसको आप लोग कैसे समझोगे, मान लो हमारे पास डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है बच्चों, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन
प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो न्यूक्लिक अम्ल का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस को करना। तो बच्चों अभी हमने बताया न्यूक्लिक अम्ल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, डीएनए और आरएनए। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए को कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं डीएनए में कौन कौन से घटक होते हैं। इसमें होता है फास्फोरिक एसिड होता है, और अभी हमने बताया डी ऑक्सी राइबोज, और तीसरा क्या होता है नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ये नाइट्रोजिनस बेस दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। प्यूरीन के रूप में इसमें होता है बच्चों एडिनिन और ग्वानिन, ग्वानिन, और पाइरिमिडीन के रूप में थायामीन, थायामीन और साइटोसिन होता है। तो बच्चों ये डीएनए के घटक हैं। और इसी तरीके से बच्चों आरएनए के घटक होते हैं। आरएनए में क्या होता है, आरएनए में भी होता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड इसमें क्या पाया जाता था, डीऑक्सीराइबोज, तो इसमें राइबोज पाया जाता है। और तीसरा इसमें भी नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन जो होता है बच्चों वो डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होता है, डीएनए में भी एडिनिन पाया जा रहा था और आरएनए में भी डीएनए की तरीके से एडिनिन और ग्वानिन पाया जाता है। लेकिन जो ये पिरिमिडीन बेस है बच्चों ये डीएनए और आरएनए में डिफर करता है। डीएनए में क्या पाया जा रहा था, थाइमीन पाया जा रहा था, लेकिन आरएनए में क्या पाया जाएगा बच्चों, आरएनए में पाया जाएगा यूरेसिल और साइटोसिन। तो बच्चों डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस हो गया, एक तो डिफरेंस हो गया राइबोज का, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज सुगर पाई जाती है, और बेस का डिफरेंस हो गया, प्यूरीन बेस दोनों में सेम होता है लेकिन डीएनए में पिरिमिडीन में थाइमीन पाया जाता है जबकि आरएनए में पिरिमिडीन में यूरेसिल पाया जाता है। तो ये दो डिफरेंस हो गए डीएनए और आरएनए में। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इसको अगर आप लोग ऐसे फ्लो चार्ट से बना देंगे तो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन के मुख्य तत्व क्या है, और प्रोटीन का हमारे शरीर में महत्व क्या है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, कई साल पूछा गया है बच्चों। तो ये आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत होता है बच्चों दूध होता है, अंडा होती हैं, दालें होती हैं, मछली होता है, मछली होता है, मांस होता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत हम लोग कह सकते हैं दालें होती हैं। और बच्चों प्रोटीन में मुख्य तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन और सल्फर पाए जाते हैं। अभी हमने बताया प्रोटीन का काम क्या है बच्चों, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चों जो बच्चे जो है ग्रोइंग एज में होते हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यदि उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उनके शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। तथा प्रोटीन का और काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में नए ऊतकों या टिश्यू का निर्माण करती है तथा पुराने ऊतकों की टूट फूट को ठीक करती है। प्रोटीन हमारे शरीर को बच्चों ऊर्जा भी प्रदान करती है, लेकिन यह काम वो तब करती है जब कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए होता है, जब ये खत्म हो जाता है तो लास्ट में हमारे शरीर को एनर्जी प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो बच्चों जो हम भोजन के रूप में प्रोटीन लेते हैं जब वो हमारे शरीर में पहुंचता है तो उस पे एससीएल और पेप्सिन नामक एंजाइम काम करता है, और इसको एमिनो
एसिड के रूप में तोड़ देता है। अब ये अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये रुधिर वाहिकाओं के द्वारा हमारे रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं, तथा रुधिर के प्रवाह के साथ साथ ये शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं। बच्चों, विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं, जहां वो नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, और इसके साथ साथ ही ये हमारे शरीर में नए कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करती है तथा पुराने ऊतकों की तोड़ फोड़ को भी ठीक करती है। तो इस तरीके से बच्चों, आज हम लोगों ने जैविक अणु के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए थे, उनको डिस्कस किया है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो बच्चों, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।